टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है दिस कंप्राइजेस ऑफ टू टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनसीईआरटी के बीच में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज थी दैट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी एग्जांपलर की बुक में भी होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के करेंगे, जिसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज करेंगे। जो पिछले में हम लोगों ने किया था वो कंसेप्ट भी हम लोग यूज करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा बुक। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व 2x² माइनस 3 प्लस 7 आयोटा इंटू एक्स प्लस नहीं माइनस 3 माइनस 9 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है आयोटा वाली टर्म्स इन्वॉल्व है। अगर इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो बेटा जी ए की वैल्यू आती है 2, बी आ जाता है मेरे पास माइनस ऑफ 3 प्लस 7 आयोटा, और सी की वैल्यू बेटा मेरे पास आती है माइनस ऑफ 3 माइनस 9 आयोटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इंप्लाइज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम लोग यूज करेंगे तो x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac over 2a आता है। So it will be x is equal to minus b. Minus b ये minus minus ultimately plus हो जाएगा। So it will be 3 plus 7 iota plus का हो जाएगा plus minus under root of b square. यानी कि 3 plus 7 iota का whole square minus 4 into a की वैल्यू थी हमारे पास 2 और b की वैल्यू थी माइनस ऑफ 3 माइनस 9 आयोटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 माइनस 9 आयोटा ऐसे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2a 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट। अब जब बेटा इसको सॉल्व करते हैं ये मेरे पास टर्म बनती है a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 49 प्लस 2ab यानी कि प्लस का 42 आयोटा और उसके बाद 4 टू द 8 8 3 का 24 प्लस का उसके बाद 4 टू द 8 8 9 का 72 आयोटा माइनस 72 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा जी ये हमारे पास आता है x is equal to minus of 3 plus 7 iota plus minus under root। ये देखिए 24 plus 9 33 उसमें से 49 माइनस किया तो माइनस का 16, 42 iota में से 72 iota माइनस करते हैं 42 iota में से 72 iota माइनस किया तो ये माइनस का 30 iota डिवाइडेड बाय 4। अब बेटा ये चेक कीजिए कि ये iota वाले टर्म अंडर रूट के अंदर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था। यहाँ पे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का कंसेप्ट यूज होता है कि हमने अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। और बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था अगर आप लोगों को लेंथियर मेथड याद रहता है देन यू कैन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर विद लेंथियर मेथड, और अगर आपको शॉर्टकट मेथड याद रहता है तो यहाँ पे बेहतर होता है कि हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई। अगर हम लोगों को कहा है कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिर तो हम लोग वो जो मेथड बुक में दिया हुआ है सप्लीमेंट्री मटेरियल एनसीईआरटी की बुक में वही अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने जा रहा हूँ माइनस 16 माइनस 30 आयोटा अंडर रूट में इज इक्वल टू बेटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z mod
साथ माइनस की टर्म है तो माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ जेड मॉड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से इसके साथ हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 16 माइनस 30 आयोटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। ओके, अब 16 और 30 आयोटा अगर हम लोग इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, 16 और 30 आयोटा का बेटा, तो 16 का स्क्वायर 256, 30 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता 900। 900 प्लस 256 विल कम आउट टू बी 1156। और जब 1156 हम लोग करेंगे तो बेटा जी उसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 34 आता है। चेक कर लेते हैं, 34 मल्टीप्लाई बाय 34 ये आ गया 16, 12 बाय 34 25 11 यस 1156, यानी कि इसका मॉडुलस हमारे पास बेटा 34 आता है। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा 34 माइनस 16 ओवर 2 माइनस अंडर रूट ऑफ आयोटा साइन लगेगा 34 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रियल पार्ट यहां ऐड होना है, रियल पार्ट माइनस 16 है तो यहां माइनस का साइन लग जाएगा और यहां रियल पार्ट नेगेटिव है तो यहां प्लस का साइन हो जाएगा। अब 34 माइनस 16 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9 और 9 का अंडर रूट हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 3 माइनस 34 प्लस 16 50, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 25 का स्क्वायर रूट बेटा जी हमारे पास आता है 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आयोटा। तो इसका मतलब जो ये मेरे पास अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 16 माइनस 30 आयोटा था उसका स्क्वायर रूट मेरे पास 3 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 5 आयोटा आ गया। नाउ पुटिंग इसके साथ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इट अप्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने बेटा क्या करना है, ब्रैकेट्स खोलकर सिंपलीफाई करना है इसको। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और एक हम लोगों ने माइनस में ले लेना है, माइनस 3 प्लस 7 आयोटा माइनस 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। और इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और ये आता है माइनस 3 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। प्लस का 3 और माइनस का 3 कट गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और यहां पे हमारे पास आता है माइनस 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। यहां पे 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 आयोटा और यहां से 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकल के नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट होएगा, माइनस 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों को आयोटा की फॉर्म में गिवन है। यस स्टूडेंट्स, लिटिल बिट करेक्शन कीजिएगा, यहां पे यहां हमारे पास नेगेटिव था तो ये प्लस का टर्म आएगी प्लस की और उसके अकॉर्डिंगली दिस विल बी प्लस, यहां प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। तो अब इसको करेक्शन करते हैं बेटा, लिटिल बिट करेक्शन कर लीजिएगा, यहां थोड़ा सा गलत हो गया है। इट विल बी x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज 3 प्लस 7 आयोटा माइनस 3 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 एंड 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये प्लस का 3 माइनस का 3 इधर कैंसिल आउट होगा। सो x इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 आयोटा कॉमा 3 आयोटा, ये दो हमारे पास रूट्स आते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, एक और हमारे पास इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस आयोटा इनटू एक्स प्लस 18 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। बात करते हैं कंपेयर इट विद, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है जी, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू माइनस ऑफ 7 माइनस आयोटा और c की वैल्यू 18 माइनस आयोटा आ जाती है, ठीक है। तो
अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, इट इंप्लाइज x = -t - b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सो इट इंप्लाइज x विल बिकम इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस है वो अल्टीमेटली बीच में ही चला जाएगा, माइनस 4 इनटू 1 इनटू 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सो x विल बिकम इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा ये प्लस बी स्क्वायर बोला है लेकिन लिखा माइनस वन है, इसलिए क्योंकि प्लस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस वन, एंड दिस इज माइनस 14 आयोटा माइनस 72 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सो एक्स की वैल्यू आती है 7 माइनस आयोटा प्लस माइनस, सिंप्लीफाई करते हैं देखिए जरा, 49 माइनस 1 माइनस 72, ये माइनस का 73 हो गया और 49 माइनस करते हैं तो ये माइनस 24, उसके बाद माइनस 14 प्लस 4 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, अगेन चेक कीजिए यहाँ पे आयोटा वाली टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे अब स्क्वायर रूट, नाउ अंडर रूट ऑफ माइनस 24 माइनस 10 आयोटा, बेटा माइनस अंडर रूट जो ये माइनस 24 माइनस 10 आयोटा है इसका हम लोग पहले मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 676 आ जाता है, तो मॉड z हमारे पास 26 आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडुलस z इज इक्वल्स टू 26, रफ वर्क में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z मॉड प्लस रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आयोटा के साथ माइनस का साइन है, अंडर रूट ऑफ z mod minus real part of z divided by 2, अब इसके बाद so it will become equals to plus minus under root of यहाँ पे bracket में 26 minus 24 divided by 2, क्योंकि real part minus में था इसलिए plus minus minus हो जाएगा, minus iota under root minus 26 plus 24 divided by 2, जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये 2 ओवर 2 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, प्लस माइनस 1 माइनस ये 50 ओवर 2 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आयोटा, तो इसका मतलब जो ये माइनस 24 माइनस 10 अंडर रूट आया है ये इसका स्क्वायर रूट है प्लस माइनस 1 माइनस 5 आयोटा, तो इसको करते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इट विल बिकम इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 7 माइनस आयोटा, प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, एक बार हम लोग प्लस का साइन ले लेते हैं, 7 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और एक बार माइनस का साइन, माइनस 1 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 7 प्लस 1 8, x इज इक्वल्स टू 8 minus 6 iota divided by 2 and this is 6 plus 4 iota divided by 2, दोनों के नीचे 2 का अलग-अलग लिख लेते हैं और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा जी so x is equals to 4 minus 3 iota और ये आ जाएगा 3 plus 2 iota and this is the required answer for this quadratic equation, वैसे भी देखिए बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉलीनोमियल के जितनी पावर होती है उतने उसके जीरोस होते हैं, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो जीरोस हमारे पास या दो रूट्स हमारे पास जरूर प्रेजेंट होंगे, ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन दैट इज 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 आयोटा 2x माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0, कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 आयोटा और c की वैल्यू माइनस आयोटा, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस b ये हो जाएगा प्लस 15 आयोटा अंडर रूट का, ठीक है जी अंडर रूट प्लस में 15 आयोटा, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, b स्क्वायर है यानी कि माइनस
अंडर रूट 15 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 4 इनटू 2 इनटू आयोटा और वो प्लस का हो जाएगा ओवर 2 इनटू 2 सो x इक्वल्स टू अंडर रूट 15 आयोटा प्लस माइनस 15 आयोटा का स्क्वायर व्हाट विल बी 15 आयोटा स्क्वायर बेटा 15 आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इट विल बी माइनस का 15 बेटा जी दैट इज अंडर रूट में माइनस 15 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 15 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 सो अब इसके बाद हम लोगों ने माइनस अंडर रूट 15 प्लस 8 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो साइड पे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 z मॉडुलस ये हमारे पास हो जाएगा 225 प्लस 64 अंडर रूट दैट इज 70 तो अंडर रूट ऑफ माइनस 15 प्लस 8 आयोटा This is equals to plus minus under root में सबसे पहले z mod plus real part of that यानी minus 15 over 2 plus iota यहाँ plus का sign iota के साथ तो plus लिखेंगे under root of 17 minus plus हो जाएगा 15 divided by 2 so that is plus minus 1 plus ये हमारे पास आ जाएगा 4 iota माइनस अंडर रूट 15 प्लस 8 आयोटा बेटा इसका स्क्वायर रूट हमारे पास बनता है प्लस माइनस 1 प्लस 4 आयोटा देयरफॉर फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15 आयोटा प्लस माइनस 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 ठीक है जी एक बार प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार हम लोग माइनस का साइन ले लेंगे So x is equal to under root 15 iota plus 1 plus 4 iota divided by 4 और ये आ जाएगा under root 15 iota minus 1 minus 4 iota divided by 4 अब इन दोनों में क्या करते हैं iota वाली terms इकट्ठी कर लेते हैं So x is equal to 1 plus 4 plus under root 15 into iota divided by 4 और उसके बाद minus 1 plus इसको अंडर रूट 15 माइनस 4 इनटू आयोटा डिवाइडेड बाय 4 लिख लेते हैं सो रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 15 आयोटा और एक हो जाएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 15 माइनस 4 इनटू आयोटा ठीक है बेटा जी